बच्चों आज हम आपको घटाना बताएंगे। क्या बताएंगे? इसके पहले हमने आपको जोड़ बताया, आज बताएंगे घटाना। घटाना का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे आप कभी किसी दुकान में जाते हैं सब्जी लेने, आपने 100 रुपए का नोट दिया और आपने उससे सब्जी ले ली। मान लीजिए कि 20 रुपए का टमाटर ले लिया, 20 रुपए का प्याज ले लिया, 10 रुपए का मिर्च ले लिया। आपने 100 रुपए का नोट दिया और 50 रुपए की सब्जी ले ली। तो आपको यदि ये पता नहीं होगा कि 100 में 50 का सामान ले लिया तो हमें दुकानदार कितना वापस देगा, तो हम भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें घटाना आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, घटाना के सवाल को पढ़ेंगे। आपकी जिंदगी में घटाना आना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना घटाना के आप कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। आज इसको हम बारी बारी से समझते हैं। देखिए, पहला सबसे पहली चीज क्या है, ये है इकाई का स्थान। क्या है? इकाई का। ये इकाई का, दहाई का, सैकड़े का, हजार का। ठीक है, कह रहा है 8 में 9 घटाइए। आपके पास 8 टॉफियां हैं और हम कह दे हमको 9 दे दो, तो क्या दे दोगे? नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि पास जब आपके पास 8 टॉफियां हैं तो 9 टॉफियां नहीं दे पाओगे। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल वाले स्थान में, ये डेसिमल है, ये 100 है और ये 1000 प्लेस है, हम क्या करेंगे इससे उधार लेंगे। और जब इससे हम उधार लेंगे तो 8 10 उधार लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, 18। क्या हो जाएगा? 18। और 18 में 9 घटेगा तो आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा? 9। ठीक, और जब इससे उधार लिया तो यहाँ बचा 3। क्या बचा? 3। 3 और 3 में जब 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। ठीक, इसके बाद कह रहा है 0 में 7 घटाओ। आपके पास 1 भी टॉफी नहीं है और हम कह रहे 7 टॉफी दे दो, तो क्या दे दोगे? नो सर। तो फिर क्या करेंगे, इससे हम उधार लेंगे 1000 वाले प्लेस से, तो यहाँ पे जब उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। और 10 में 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। और जब हमने इससे उधार लिया तो यहाँ हो गया 6। क्या हो गया? 6। और 6 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। ठीक, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, अब 4 में क्या 8 घट जाएगा? नो सर, नहीं घटेगा। तो इससे आगे वाले से हम ले लेंगे उधार। हाँ सर। उधार लेंगे 10, तो यहाँ 4 की जगह हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14। फिर 14 में 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। क्या जाएगा? 6। और जब इससे हमने उधार लिया है तो यहाँ आ जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। अब क्या 1 में 7 घटेगा? नो सर, नहीं घटेगा। तो ये अपने 1000 वाले प्लेस से फिर उधार लेगा, और उधार लेगा तो यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा? 11। 10 उधार लिया और 1 ये 11 हो गया, और 11 में 7 घटाए तो कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। और इसने फिर इससे उधार लिया तो यहाँ बचेगा 4। क्या बचेगा? 4। ये आ जाएगा 4। Yes, और नीचे कोई संख्या लिखी नहीं है? नो सर, नीचे कोई संख्या नहीं लिखी तो हो जाएगा 4। अगला फिर घटाने का सवाल है, ये भी घटाने का सवाल है। ठीक है, अगला कह रहा है 8 में से 0 घटाइए कितना बचेगा? 8। अगला कह रहा है कि 2 में 8 घटाइए तो क्या 2 में 8 घटा लोगे? नो सर, तो इससे उधार लोगे। क्या लोगे? 100 वाले स्थान से आप उधार लेंगे तो यहाँ पे 10 उधार लेंगे तो हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। 12 में 8 घटेगा तो बचेगा 4। क्या बचेगा? 4। और जब इससे उधार लिया तो यहाँ 1 कम हो गया, यहाँ हो गए 7। क्या हो गए? 7। तो 7 में 7 घटेगा तो आ जाएगा 0। और इसके बाद 6 रखा हुआ है, इसको 6 से रखेंगे। ठीक है, अगला 14 सवाल कह रहा 3 में 6 घटाओ तो क्या 3 में 6 घटा दोगे? नो सर, तो हम एक उधार लेंगे। क्या करेंगे? उधार, डेसिमल वाले प्लेस से yes, उधार लेंगे। तो यहाँ पे 10 उधार लेंगे तो हो जाएगा 13। 13। 13 में 6 गया 7। क्या? 7। 7। और उसके बाद जब इससे उधार लिया तो 5 की जगह हो गया 4। क्या हो गया? 4। 4 में ये घटाएंगे तो आ जाएगा 3। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, क्या 3 में 5 घटेगा? नो सर, तो इससे उधार लेंगे। जब उधार लेंगे 10 उधार लेते हैं, हाँ, लेते 10 हैं? 10। तो 3 की जगह हो जाएगा 13। 13। 13 और 13 में 5 घटाएंगे तो 8। कितना? 8। 8।
और जब इसने उधार लिया तो वह कम हो जाएगा, क्या बचेगा? सात। क्या बचेगा? सात। तो सात में तीन लिया चार। चार। ऐसे पांचवा सवाल देखो, क्या छह में नौ घट जाएगा? नो सर। तो उधार लेंगे डेसिमल वाले स्थान से, जब डेसिमल वाले स्थान से उधार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सोलह। क्या हो जाएगा? सोलह। दस उधार लेंगे, हाँ सर, सोलह हो गया। सोलह में नौ गया सात, सात सोलह में नौ गया सात। इसके बाद यहाँ एक कम हो गया होगा, पांच कितना हो गया होगा? पांच हो गया होगा। क्या पांच में नौ घटेगा? नो सर। तो फिर जब उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पंद्रह, कितना हो जाएगा? पंद्रह। फिर पंद्रह में नौ गया छह, कितना? छह। इसके बाद जब हमने यहाँ से उधार लिया तो यहाँ भी कम हो गया होगा, यहाँ बचा होगा पांच, कितना बचा होगा? पांच। पांच में नौ घटेगा क्या? नो सर। जब घटेगा नहीं तो फिर इसके थाउजेंड वाले प्लेस से दस फिर उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पंद्रह, कितना हो जाएगा? पंद्रह। पंद्रह में नौ गया छह, और जब इससे उधार लिया तो यहाँ बचा होगा पांच, और पांच में पांच आ गया। ठीक, यस सर। अगला देखिए, छह में चार घटेगा तो कितना बचेगा? दो। चार में जीरो घटेगा तो चार। क्या तीन में आठ घटेगा? नो सर, नहीं घटेगा। तो ये उधार लेंगे और जब थाउजेंड वाले प्लेस से उधार लेंगे तो यहाँ दस उधार लेंगे तो यहाँ दस और तीन तेरह हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तेरह। तेरह में आठ घटेगा तो कितना बचेगा? पांच। और जब इससे उधार लिया तो यहाँ एक कम हो गया, यहाँ बचा पांच, पांच में पांच गया जीरो। तो इस तरीके से आज हमने आपको घटाना के सवाल बता दिए।